हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अभी तो जैसा कि मालूम है कि अभी लॉकडाउन का सेकंड फेज चल रहा है, तो मैं भी अपने घर में लॉकडाउन हूँ। और अभी जैसा कि सिचुएशन चल रही है, आपने नोटिस किया होगा कि जाहिल से जाहिल, गंवार से गंवार, बूढ़े से बूढ़ा, बच्चे से बच्चा, जिसको इंग्लिश की ABC भी नहीं मालूम है, वो भी 4 वर्ड तो आराम से बोल ले रहा है। कोरोना और COVID-19, लॉकडाउन, क्वारंटीन। तो ऐसा हुआ कि जैसे कि टीवी में, न्यूज़ में, हर जगह पे आप सुनते हैं तो लोग क्वारंटाइन बोल रहे हैं, तो मैंने भी क्वारंटाइन वर्ड समझ लिया और जान लिया। और अभी मैंने अपने भाई को फ़ोन लगाया कि देखिए मेरा चश्मा पहना है जो मेरे सिर पर थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। तो ऐसा हुआ कि अभी मैंने अपने भाई से फ़ोन पर बात की और बात करते करते मैंने बोला क्वारंटाइन, और ये वर्ड सुनते ही मेरे छोटे भाई ने फ़ौरन मेरा मजाक बनाया कि क्वारंटाइन नहीं होता है, क्वारंटीन होता है। तो जैसे कि सब लोगों के साथ होता है, अपनी बेइज्जती होते देख के मैं तो अड़ गई कि नहीं, मैं सही बोल रही, मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है क्वारंटाइन, तो यही सही है। लेकिन उसने कहा कि जी नहीं, क्वारंटीन वर्ड सही है। तो मुझे भी आया गुस्सा, मैंने फ़ोन काट दिया। और काटने के बाद गूगल पर सर्च किया तो सच में मुझे अपने आप पे बड़ी शर्म आई। तो सोचा कि बहुत सारे लोग होंगे मेरे जैसे जो कन्फर्म होंगे कि क्वारंटाइन ही बोला जाता है, जो कि लिखा हुआ है TIME, तो लोग टाइन ही बोल रहे होंगे उसको, क्वारंटाइन, और मेरी तरह कन्फर्म भी होंगे। अगर कोई उनको ठोकरा होगा तो वो नाराज़ भी हो रहे हैं। तो मैंने सोचा, वैसे तो देखिए नीचे में कुछ ठोक रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, वो ठोक ठाक रहा है पीछे में। तो ऐसा आमतौर पर गुस्सा आ ही जाता है, कोई किसी को कुछ टोक दे तो उसको लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, सही सुन के मैंने बोला है, तो फिर ये बात गलत कैसे हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने सर्च किया गूगल पे, तो वहाँ मैंने देखा कि सही वर्ड क्वारंटाइन नहीं है, क्वारंटीन है, क्वारंटीन। जैसे कि उसको क्यू से नहीं बोलना है, के से बोलना है। लिखने में तो स्पेलिंग में क्यू आता है, लेकिन जब हम बोलेंगे तो के से बोलेंगे, क्वारंटीन। देखिए मैंने स्पेलिंग भी लिख ली है, QUARANTEE, इस तरह से बोलना है, क्वारंटीन, क्वारंटीन। ब्रिटिश स्टाइल, अमेरिकन स्टाइल थोड़ा देखे बोलना है। तो इसका मतलब, शब्द का मतलब तो ये होता है कि जैसे किसी को बीमारी हो गई इन्फेक्शन वाली, तो उसको वो पीरियड जिसमें उसको अलग रखा जाता है बंद करके, और ऐसे इसका मतलब होता है 40 दिन तक बंद रखना। तो ये तो आप लोग भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे, लेकिन अभी मैंने वीडियो इसलिए बना दिया कि बहुत सारे लोग जो आसानी में सुन सुन के बोल रहे हैं क्वारंटाइन, और मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को बोलते हुए सुना है, बहुत सारे सेलिब्रिटी के मुझसे भी मैंने क्वारंटाइन वर्ड सुना, तभी तो मैंने भी बोला क्वारंटाइन। लेकिन भाई से इंसल्ट होने के बाद मैंने सर्च किया तो सही वर्ड है क्वारंटीन। तो अगर आप लोग भी क्वारंटाइन कह रहे हैं तो सर्च कर लीजिए और हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कौन कौन लोग क्वारंटाइन कह रहे थे और कितने लोग पहले से क्वारंटीन बोल रहे थे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि वो लोग जो क्वारंटाइन कह रहे हैं वो अपना करेक्शन कर लें, ताकि फिर उनका कोई मजाक ना उड़ा, जैसे मेरा मजाक बना, उनका कोई मजाक ना बनाए। तो अब तो समझ में आ गया कि क्वारंटाइन को प्रोनाउंस कैसे करना है, ये क्वारंटाइन नहीं है, क्वारंटीन है। तो मिलते हैं अपने मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सेफ रहिए, अलग रहिए, हाथ धोते रहिए, और कुछ कुछ एक्टिविटी करते रहिए, और गूगल पे कुछ ना कुछ सर्च करते रहिए। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, बाय। एक बार फिर से दो दो बार बोल दिया मारे खुशी के।